माय यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे तो जनाब ये है चैटरडे का व्लॉग और आज मैं बनाने लगी हूँ कबाब और जिसके लिए मैं दाल को अच्छा धोकर उसको भिगो के रख दूँगी दस पंद्रह मिनट के लिए क्योंकि प्रेशर कुकर में बना ली तो जल्दी बन जाएगी और साथ जनाब मैं बनाने लगी हूँ ढाबा स्टाइल माश की दाल पहले इरादा था मेरा कड़ी बनाने का क्योंकि मौसम अच्छा था लेकिन फिर एकदम धूप निकल आई तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाते हैं तो जनाब कबाब बनाने की रेसिपी तो आपको देनी नहीं चाहिए मुझे क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ तो बस आप देख लें माज मैंने चने की दाल भिगोई उसमें मैंने प्याज डाल दिया लहसुन का पेस्ट डाल दिया नमक डाला है जीरा डाला है सूखा धनिया डाला है रेड मिर्च डाली है काली मिर्च डालूंगी पीसी हुई गरम मसाला डालूंगी हल्दी डालूंगी दड़ा मिर्च पीसी हुई डालूंगी और फिर तेज़पात का एक पत्ता डाल दूंगी और एंड में मैं बोनलेस चिकन डाल के इसको तकरीब पंद्रह मिनट के लिए ना प्रेशर दे दूँगी तो जनाब अब बनाते हैं ढाबा स्टाइल जो है ना माश की दाल बहुत टेस्टी बनती है बस आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों में चेंजिंग कर लो ना तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनती है तो जनाब इस वक्त मैंने प्याज को लिया उसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया और उसमें फिर मैंने इसमें बोनलेस चिकन थोड़ा सा डाल दिया और ताकि जो हमारी दाल है ना शाही दाल बन जाए ढाबा स्टाइल बन जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए तो बस इसको इसके बाद हम इसमें लहसुन अदर का पेस्ट डालेंगे और साथ टमाटर डाल के इसको अच्छा सा भुनेंगे तब तक भुनेंगे तब तक हमारे जो टमाटर है ना वो गल ना जाए तो वैसे तो मैंने जो प्याज है उसको भी मैंने थोड़ा सा उबाल के चॉप कर लेना था और टमाटरों को मैंने अलग से चॉप कर लेना था लेकिन हमारी लाइट नहीं थी तो इस वजह से फिर मैंने यूं ही बरीक बरीक काट लिए मैंने कहा लाइट नहीं है तो काम तो करना है ना अपनी दाल तो बनानी है ना ढाबा स्टाइल तो फिर जनाब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर अब इसके अंदर मसाले जा रहे हैं इसमें जा गया है नमक गया है सुरख मिर्च गई है और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी ताकि इसमें रेड दरिया जैसे हमें ढाबों पर मिलती है और इसमें सूखा धनिया गया है पिसा हुआ और इसमें हल्दी गई है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें पीसी हुई डाली हैं और इसमें फिर मैंने माश की दाल डाल दी थी माश की दाल को मैंने जो है ना 90 परसेंट उबाल लिया था और फिर टेन परसेंट जो है ना वो मसाले के साथ कर जाएगी और अब इसके अंदर जनाब तड़का जाएगा तड़के में मैंने जीरा डाला है कड़ी पत्ते डाले हैं और इसमें क्या डाला है कड़ी पत्ते और जीरा डाला है और जनाब दड़ा मिर्च डाली है और ये हमारी जो है ना मज़ेदार सी जो ढाबा स्टाइल दाल है ना वो बन के तैयार है लेकिन इसमें मैंने ऑयल थोड़ा कम डाला है आप लोग चाहें तो इसमें और ऑयल डाल सकते हैं। तो जनाब फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया और फिर मैंने शाम को उठ के ना पंद्रह मिनट सीटी लगने के बाद ना मैंने जब मटेरियल ठंडा हो गया ना तो मैंने इसको चॉप कर लिया चिकन को आपने अलहदा से पहले चॉप करना और फिर उसके बाद दाल को चॉप करना सही होता है कि रेशी आपकेदा लहदा रहते हैं अगर आप इकट्ठा चॉप करते हो तो वो फिर मिक्स ही हो जाता है उसमें लगता नहीं है कि कबाब किस चीज़ के बने और फिर इसके बाद हमने इसमें प्याज हरी मिर्चें हरा धनिया और पुदीना जो है ना वो चौप कर के डाल दिया और मैंने दो अंडे डाल दिए और इसको अच्छा सा फिर मिक्स किया और अब मैं कबाब बना के इसको रख दूंगी फ्रीजर में और जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर आप इसको शोपर में या डाल के रख दे ताकि आपका जो पूरा मंथ है ना आसानी से गुजर जाए मैं एक किलो दाल लेती हूँ और उसमें मैं डेढ़ किलो बोनलेस जो है ना गोश्त डालती हूँ तो ये मेरे पूरे मंथ के कबाब बन जाते हैं तो फिर जनाब हुआ ये कि रात को भी अब फिर मैंने कहा कि सैंडविच बना लेते थे कबाब तो ये ताज़ा ताज़ा जो अभी कबाब बने ही थे तो मैंने ना रात को ही जो है ना अंडा और जो है ना शामी का ना सैंडविच अपने लिए बनाई मेरा फेवरेट सैंडविच जो है ना वो ये सैंडविच है और जैसे ही अब सर्दी आ जाएगी ना तो फिर तो मेरा रात का डिनर आप समझे यही है मैं सर्दियों में ज़्यादातर जो है ना ये वाला जो है सैंडविच खाती हूँ और भी मुझे सैंडविच अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे जो अंडे वाला है ना तो बहुत क्योंकि मुझे जिस तरह अंडे वाला बर्गर बहुत पसंद है ना तो मुझे इस तरह का ये सैंडविच भी बहुत पसंद है तो जनाब और फिर उसके साथ मैंने बनाई चाय और बिल्कुल आज ऐसा हमारा डिनर ऐसा हो रहा है जैसे हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है तो क्योंकि वीकेंड था बच्चे वीकेंड पर इतना हैवी वो कोई डिनर वगैरह नहीं करते उनको होता है कोई फास्ट फूड या इस तरह का ही हो तो फिर इधर आपको मेरी चाय बर्ड थोड़ी सी जो है ना वाइट व्हाइट लग रही है लेकिन फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी पत्ती डाल के ना इसको कड़क चाय बना ली थी और फिर मैंने इस जनाब सैंडविच बनाने के लिए अपने जो स्लाइस है से उसको सेक लिया और इसमें ऑयल उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ना ताकि ये क्रिस्पी हो जाए पहले मैंने सोचा सैंडविच मेकर में बना लेती हूँ फिर मैंने कहा नहीं यूँ ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो बस आज जो पूरा सैटरडे है ना इसी तरह ही हमारा गुजर गया ये छोटे मोटे काम में बहुत टाइम लगता है और खास तौर पर जब लाइट ना होना तो फिर बहुत मुश्किल होती है भाई बहुत मुश्किल होती है काम करने में आपके हर काम जो है ना वो आ, ऐसे लगता है रुक गया है पानी और बिजली के बग़ैर जो ज़िंदगी है ना वाकई रौनक नहीं है इसमें तो आप लोगों को पता है कि ये सैंडविच मैं बहुत शौक से खाती हूँ और अक्सर आप लोगों ने देखा कि नाश्ते के टाइम में ये सैंडविच बहुत खा रही होती है और फिर जब इसके ऊपर जो गार्लिक चिली सॉस डली हो ना, तो फिर क्या यही बात है इस सैंडविच की तो ये था वैसे हमारा डिनर और इस वक्त फिर मैंने साथ कड़क चाय जब आ जाए ना तो फिर क्या ये है क्योंकि रात के वक्त कड़क चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है जी जनाब ये है रिवाज वालों का गोल्ड शीट मास्क और ये है जनाब यही रवाज वालों की डीप क्लिनिंग नो स्ट्रिप तो ये दो चीज़ें आपके पास ना घर में होनी चाहिए कि जब बहुत इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ जाए ना और इस वक्त आप पार्लर के चक्कर नहीं लगाना चाहते ना तो फिर ये है कि अगर आपके पास एक ये शीट मास्क है और ये नो स्ट्रिप है ना तो फिर आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है कि घर में आपकी स्किन जो है ना बहुत जल्दी फ्रेश हो सकती है तो गोल्ड शीट मास्क की तो क्या ही बात है जनाब मैं आपको बताऊं ये तो औसम चीज है कि दस पंद्रह मिनट में ना आपकी स्किन इतनी अच्छी ग्लो करने लग जाती है ना कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं तो ये मैं अक्सर जो है ना जब ग्रोसरी करती ना तो इस तरह की एक दो चीज़ें साथ ले आती हूँ और इनको मैं फिर संभाल के रखती हूँ कि कभी एमरजेंसी में मुझे कुछ करना कहीं जाना पड़ जाए ना तो फिर मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ वैसे तो मैं अपनी जो है ना घरेलू टोटके है ना उसी से अपनी स्किन को हमेशा फ्रेश रखने की कोशिश करती हूँ तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि अगर आप लोगों को भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो ये जो गोल्ड शीट मास्क है ना ये बहुत ज़बरदस्त है तो जनाब यहाँ अपनी वीडियो का हम करते हैं एंड और कल को मैं यहीं से स्टार्ट दोबारा ले लूंगी अपनी वीडियो का तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अब आप दें मुझे इजाज़त अल्लाह हाफिज़